चित्र देखकर आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि आज किस विषय में बोलने जा रहा हूँ मैं। आज जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि फला फला कंपनी का फ़ोन आ गया है, इसमें ये बात है, इसका कैमरा ऐसा है, इसका वो ऐसा है। तो आज मैं एक अलग चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। हो सकता है, देखिए मैं आपसे, मेरी गुजारिश है, जो भी जहाँ भी लोग इसको देखेंगे, देश में विदेश में कहीं भी देखेंगे, आज ऊपर वाले की मेहरबानी से ये चैनल इंडिया से बाहर भी कई जगह देखा जा रहा है, कई देशों में देखा जा रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपना जो माइंड सेट है ना, थोड़ा सा मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उस पर माइंड सेट करके मत देखिएगा, थोड़ा सा खुले विचार बना के देखिएगा जो भी कहना जा रहा हूँ। कि दुनिया में देखो, एक यूरोप की कहानी है, बहुत समय शायद 8वीं 10वीं शताब्दी की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक किसी रिसर्चर ने कहा था कि पृथ्वी स्टेबल रहती है और सूरज, उसके सूरज नहीं घूमता है, सूरज स्टेबल रहता है, पृथ्वी सूरज के सामने घूमती है। उससे पहले तक वो लोग कहते थे कि नहीं, जो एक्चुअली हर धर्मों में बहुत गंदगी आ रही है समय के हिसाब से, खासकर भारत में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो खैर इस विषय में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो उन लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने उसको, क्योंकि वो भी असभ्य थे उस समय, तो उन्होंने उसको सूली पे चढ़वा दिया था। उसके 100 साल बाद बाकी लोगों ने प्रूव कर दिया, नहीं, पृथ्वी स्टेबल नहीं है, सूरज स्टेबल है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, ना कि सूरज के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज लगाता है। तो तब लोगों ने समझा, ऐसे ही है। तो आप थोड़ा सा माइंड सेट खुल के रखिएगा, काल्पनिक चीज़ है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, राय बहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने प्रूव कर दिया है, उन्होंने देखा, क्योंकि इस पद्मावती या पद्मा पद्मिनी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इतिहास में। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल बताया जाता है, 1296 से लेकर 1316 तक बताया जाता है, और जो पद्मिनी रानी है उसका 1302 से 1303 तक कुछ दिखाया जा रहा है। इसी तरह से रावल रतन सिंह या रतन सेन नाम का जो है, उसका 1301 से लेकर 1302 या 1302 से 1303 तक दिखाया जा रहा है। ये कोई राजा था, जो भी था, इसने केवल 1 साल राज किया। अब आप कहानियां सुन सकते हैं, हीरा मधु सुग्गे की कहानी थी एक, उसके हिसाब से मतलब रतन सिंह ने सुना उसके बारे में, पद्मिनी के बारे में। कोई सिंगल द्वीप नाम की जगह थी, सिंगल द्वीप शायद श्रीलंका को बोलते हैं, सिंगल द्वीप नाम की जगह थी, वहाँ गया। एक तो पहले ऐसी हवाई जहाज तो थे नहीं कि 2 घंटे पहुंच जाए, घोड़े से हाथी से पहल पहल गया होगा, महीनों में पहुंचा होगा। फिर बताते हैं 2 साल तक वहाँ रहा ऐसे करके, उसके बाद में फिर वो उसने यहाँ, फिर जब अलाउद्दीन से उसका आक्रमण, वो युद्ध हुआ, तो बताते हैं 6 साल या 8 साल चला। बेचारे ने राजी 1 साल किया था, 6 साल 8 साल कहाँ से हो गया। उसके बाद में रतन सेन के बाद में कोई इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई और राजा हुआ भी था, क्योंकि उसका वंशी ख़त्म हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो लड़ाई ना, उसका पूरा ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। तो ये अब जो आजकल विवाद चल रहा है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश की विडम्बना है ये, आज 21वीं शताब्दी में भी हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बातें करते हैं, वो तरह तरह के भगवानों की और देवी देवताओं की बातें करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, भाषावाद की बात करते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में ये लोग कहाँ, ये किस, इवन हमारा पड़ोसी चाइना, ये लोग किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं, अभी तक हम चंद्रमा पर पहुँच गए, हम मतलब मंगल पर जा रहे हैं, मंगल के बारे में हम मंगल में बस्तियाँ बसाएंगे, उसके बाद में हम अगली प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन हम बात करते हैं, हम जातिवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, धर्म में इतनी ज़्यादा गंदगी आ गई, हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, काल्पनिक चीज़ों को हम इतना बड़ा फितूर, इतना बड़ा एक हाइप बना के हमने पूरा, आज देखा जाए देश के सारे मीडिया, सारे चैनल्स, सबका फोकस यहाँ पर है। अब देखिए, चलिए ये बात तो हो गई ख़त्म, अब मैं बात करता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ, जिस बात के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, मैं मैनेजमेंट का छात्र हूँ, तो मैनेजमेंट की बात करूँगा। ये जो विवाद चल रहा है, इससे 3 लोगों को फ़ायदा है,
आप पूछेंगे किस किन लोगों को फायदा है, आप वेट करिए इसके लिए, मेरा पूरा देखिए वीडियो, बहुत सटीक बात बताऊंगा मैं, बहुत साफ बोलने वाला आदमी हूँ, बहुत बिना लाग लपेट के बोलता हूँ हमेशा, वही बात आज बोलूँगा। पद्मावती का जो विवाद है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और हमारे संविधान के हिसाब संविधान में भी लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। तो अब सब क्या है, अब जाहिर है फिल्म बनाई है तो उन्होंने मसाला लगाया ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे, फिल्म वालों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, उन्होंने क्या रिसर्च किया क्या नहीं किया वो ऊपर वाला जानता है, या फिर वो लोग खुद जानते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है उसने सच्चाई दिखा दी हो, संजय लीला भंसाली ने सच्चाई दिखा दी हो कि भाई ये तो काल्पनिक चीज़ है, तो इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम है इन लोगों को। लेकिन अब जो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये चीज़ है कि ये 2018 जनवरी है, 2019 में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी सितंबर में शायद, कितने महीने बचे हैं, 8-9 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये दबे दबाए जो थे, ये फला सेना वो सेना, ये दल वो दल, फलाना दल, ये सब किसी गली कूचे में बैठे हुए थे, पैसा बहुत है इसलिए दल दल बना के बैठे हैं, सेना मत सेनाएं बना ली, पैसा बहुत है, अब इन्होंने सोचा क्या करूं। अब चूंकि देखिए आम आदमी के लिए मैं वीडियो तो मैंने आम आदमी के लिए बनाया हुआ है, तो आम आदमी जानता है, आम आदमी के पास क्या होता है, ध्यान भटकाना चाहिए, बेचारा वैसे रोजी रोजी रोटी के चक्कर में इधर तो घूमता फिरता है और दिन भर भी रहता है, लेकिन फिर एक चूँकि हमारा देश देश धर्म में जातियों में बटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, इस हद तक बटा हुआ है कि हम धर्मों में इतना हद तक बटे हुए हैं, जातिवाद में इतना ज़्यादा बटे हुए हैं कि ये सबसे बड़ा हमारे देश का रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा है जो हमारे देश की प्रगति नहीं होने दे रहा है। तो हम लोग बटे हुए हैं जातिवाद में, अब नेताओं को एक क्लू चाहिए होता है अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। अब जैसे कि कोई हीरो होंडा वगैरह कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाने वाली, कार बनाने वाली, वो टेलीविज़न पे ऐड करती हैं, तो ये उनका धंधा है। अब इनको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, वो तीन लोग कैसे हैं, तीन लोग वो हैं, एक फिल्म का निर्माता निर्देशक हो गया, एक ये सेनाएं हो गई जिनके बारे में लोग कोई नहीं जानते था, बच्चा बच्चा जानने लगा, तीसरे हीरो हीरोइन हो गई, हीरो हीरोइन की टीआरपी बढ़ गई, अब जहाँ पहले 20 करोड़ लेते थे एक फिल्म का, 25 करोड़ हो गया रेट बढ़ गया, निर्माता उसकी बैठे बिठाई पब्लिसिटी हो रही है, बच्चा बच्चा जान गया कौन सी पद्मावती है कौन सा पद्मावत है, चलो यार आएगी तो देखूंगा, अब ये सेना वो सेना और फलाना दल डिमका दल जो था, ये दल वो दल, ये जहाँ चूहेदानी में कहीं घुसे थे, कहीं किसी जगह पे एक किनारे पे थे, लोग जानते ही थे इनको, लोग जान गए, अरे साहब ये क्या है, अरे साहब वो क्या, अच्छा अच्छा फला फला कास्ट की वो है, अब क्या ध्रुवीकरण हो गया, अब ध्रुवीकरण हो गया तो क्या है कि अब 2019 में हाथ आजमाएंगे, हो सकता है 10-20-50, 2-4-6-10 MLA बन जाए तो अपनी पौपारे हो जाएगी, मज़ा आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आप खुले दिमाग से एक अच्छे सोच के साथ इसे देखेंगे, है ना, और लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपको और नए नए वीडियोज़ दूंगा, बस ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, बस आप देखते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, बस अपना अच्छे माइंड सेट के साथ इसे देखिएगा, समझने का प्रयास